दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों VPN टोमेटो एप्लीकेशन क्या है और आप उसे अपने फ़ोन में कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी VPN टोमेटो एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में यूज करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप के स्टेप बाय स्टेप पूरा जरूर देखना। तो इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करनी है, उसके बाद में सिंपली यहाँ पर आपको सर्च बार पर सर्च क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है VPN टोमेटो। दोस्तों जैसे सर्च करेंगे यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर टोमेटो VPN एप्लीकेशन आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो सिंपली यहाँ से आपको इस VPN एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करेंगे दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक VPN एप्लीकेशन से जहाँ से आप अलग अलग कंट्री के यहाँ पर VPN कनेक्ट कर सकते हैं और अपने फ़ोन में आप अलग अलग कंट्री के सर्वर ऐड कनेक्ट करके अपने फ़ोन में VPN कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन में आप अलग अलग कंट्री के सर्वर ऐड कैसे करें, VPN कनेक्ट कैसे करें, दोस्तों यहाँ पर आपको अलग अलग कंट्री के सर्वर ऐड करने के लिए जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करेंगे यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अलग अलग यहाँ पर कंट्री के यहाँ पर सर्वर ऐड करने के लिए क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फ्री के पास में आप फुटबॉल देखने को मिल जाएगा। इस फुटबॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग कंट्री के यहाँ पर सर्वर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आप जिस किसी कंट्री के ऊपर सर्वर ऐड करना चाहते हैं उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको अपने VPN को कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका VPN रहेगा वो यहाँ पर कनेक्ट आपका होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं VPN यहाँ पर 100% होने के बाद यहाँ पर मेरा VPN यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्टिंग हो रहा है VPN। दोस्तों जैसे कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपको लेकर आ जाएगा कनेक्टेड VPN। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 100% होने के बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि VPN यहाँ पर कनेक्ट हुआ है या नहीं। दोस्तों 100% होने का वेट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 100% हो चुका है, यहाँ पर मेरा VPN कनेक्ट हो चुका है। मेरे सामने एक छोटी सी ऐड भी आ चुकी है, ऐड को आपको क्लोज करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना है कि जब भी आपके सामने यहाँ पर VPN गो टू VPN पर क्लिक करें और आपका VPN पर कनेक्ट हो रहा है तो आपके सामने अगर ऐड आ गई तो आप समझ लेना आपका VPN पर कनेक्ट हो चुका है। दोस्तों जैसे VPN कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं VPN ऐप मेरा कनेक्ट हो चुका है। आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको जब सामने छोटी सी ऐड आएगी ऐड को आपको सिंपली कनेक्ट यहाँ पे आपको कट कर देना है। दोस्तों ऐड को मैं आपसे कट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं VPN यहाँ पर मेरे सामने यहाँ पर कनेक्टेड हो चुका है। यहाँ पर आप ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्ट VPN हो चुका है। दोस्तों इसके बाद में इस VPN एप्लीकेशन को आपको अपने फोन में अपना अगर गेम वगैरह खेल लिया उसके बाद में इसको डिसकनेक्ट करना चाहते हो तो एप्लीकेशन को फिर से ओपन करना है। दोस्तों जैसे ही एप्लीकेशन को फिर से ओपन करेंगे इस VPN एप्लीकेशन को आप अपने फोन में डिसकनेक्ट करने के लिए क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा क्रॉस का, क्रॉस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके डिसकनेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके सामने एक छोटी सी ऐड आएगी, ऐड को सिंपली यहाँ से आपको क्लोज कर देना है। मैं ऐड को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। दोस्तों जैसे ही ऐड को क्लोज कर देंगे उसके बाद आपको सिंपली गॉट इट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपका जो VPN रहेगा वहाँ पर डिसकनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार आप भी VPN टोमेटो एप्लीकेशन को अपने फोन में इस प्रकार पर यूज कर सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो हमें कमेंट करके जो बताना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सिलेक्ट कर दो ताकि मैं अगला कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।